स्टूडेंट्स वेलकम टू अड्डा 24/7 स्वागत है बच्चों आप सभी का अड्डा 24/7 पर जो कि है अड्डा कामयाबी का आई होप बच्चों के आप सभी लोग घर में हैं और सुरक्षित हैं क्योंकि बच्चों कोरोना कम जरूर हुआ है पर खत्म नहीं हुआ है इसीलिए घर में रहना सबसे जरूरी है और इसी तरह के आप घर में रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सके बच्चों तो इसी के लिए अड्डा ट्वेंटी स्कूल लेकर आया है आपके लिए विजय बैच को जी हाँ बच्चों अट्टा ट्वेंटी फोर सेवन स्कूल आपके लिए लेकर आया है विजय बैच जो ना केवल साइंस बल्कि आपकी सभी स्ट्रीम साइंस कॉमर्स और आर्ट्स आपकी तीनों ही स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट्स की बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कराएगा जी बच्चों आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कराएगा विजय बैच सेशन 2021-22 के लिए और बच्चों सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई नहीं बल्कि आपके बोर्ड सीबीएसई के साथ साथ आरबीएससी यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड और बाकी सभी बोर्ड्स की भी बच्चों तैयारी कराने वाला है विजय बैच आपके आने वाले सेशन के बोर्ड एग्जाम 2021 से 22 के लिए और जैसा कि बच्चों आप जान रहे हैं कि आज संडे है तो संडे को विजय बैच आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आया है उससे पहले मैं आपको एक बात बता दू कि हमारे जितने भी फैकल्टीज हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं और एक से बढ़कर एक हैं बच्चों बहुत ही फैकल्टीज हैं और वो आपके हर सब्जेक्ट के को बिल्कुल डिटेल में क्लियर करेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराएंगे चाहे वो सब्जेक्ट हिंदी हो मैथ्स हो इंग्लिश हो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या फिर हिस्ट्री हो हर सब्जेक्ट आपका क्लियर होगा हमारे एक एक बढ़कर फैकल्टीज के साथ तो इसी के लिए बच्चों आप तैयार रहिए और हर क्लास को अटेंड कीजिए जी हाँ बच्चों हमने हर स्ट्रीम का एक बैच बनाया है जैसे कि अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर तो यहां आपको कॉमर्स बैच के टाइमिंग्स बच्चों दिख रही होंगी मंडे टू सैटरडे मंडे टू सैटरडे बच्चों कॉमर्स बैच के बैच शुरू होता है सुबह ग्यारह बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ बच्चों सबसे पहले इकोनॉमिक्स की क्लास होती है सुबह ग्यारह बजे उसके बाद क्लास बढ़ती है अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की तरफ जो कि किसकी कितने बजे होती है दोपहर दो बजे दोपहर दो बजे दो दो बच्चों एक दिन अकाउंट्स और एक दिन बिजनेस स्टडीज की क्लास आपकी होती है उसके बाद बच्चों शाम बजे रोज आपकी क्लास होती है मेरे साथ यानी कि मैथ्स की क्लास और अंत में बच्चों बैच खत्म होता है शाम को सात बजे इंग्लिश की क्लास के साथ इन सभी टाइमिंग्स की क्या है बच्चों जैसे ये कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स हैं कॉमर्स की क्लासेस हैं उसी तरह हमारे बाकी स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस मौजूद हैं अलग अलग टाइमिंग्स पर जैसे कि आप देख रहे हो साइंस की क्लासेस को येलो से कॉमर्स की क्लासेस को रेड से आर्ट्स की क्लासेस को ब्लू से और व्हाइट को कॉमन क्लासेस से दिखाया गया है व्हाइट कलर से कॉमन क्लासेस को बच्चों दिखाया गया है आप अपनी अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग अपने बैच में अपने टाइम के हिसाब से बच्चों क्लास को अटेंड कर सकते हो रेगुलर मंडे टू सैटरडे आपको आपकी क्लासेस जरूर मिलेंगी हर सब्जेक्ट की बिल्कुल डिटेल में कोई भी क्लास कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी चीज बच्चों आपकी मिस नहीं इस बात की श्योरिटी और गारंटी आपको मैं देती हूं और उसी के साथ आप अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर विजय हासिल कर पाओगे अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं मंडे टू सैटरडे अब बात कर लेते हैं बच्चों आज की अगर मंडे टू सैटरडे भाई क्लास होती है तो आज क्या है आज तो संडे है संडे को मैम क्या कर रही है तो भाई अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन स्कूल बच्चों लेकर आया है आपके लिए क्विज मैराथन जी हाँ क्विज मैराथन बच्चों लेकर आया है यानी कि अब से हर संडे बच्चों आपकी क्विज हुआ करेगी क्या क्विज हुआ करेगी चैप्टर वाइज ताकि आप अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सको और प्रैक्टिस आपको यहीं से मिलती रहे जैसे कि बच्चों सीबीएसई के ब्लूप्रिंट में भी आपने देखा है कि एमसीक्यूज पर काफी ज्यादा फोकस किया गया है इस बार तो इसी को ध्यान में रखते हुए अड्डा ट्वेंटी फोर स्कूल बच्चों लेकर आया है आपके लिए अब से हर संडे क्विजिस क्या क्विज लेकर आया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड ठीक है बच्चों एमसीक्यू बेस्ड क्विज हम हर संडे चैप्टर वाइज बच्चों किया करेंगे और हर सब्जेक्ट की जैसे कि मैं बच्चों बात करूंगी मैथ्स की तो हर संडे हमारे एक चैप्टर की क्विज करेगी। जो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं यानी कि आज हम बच्चों जैसे कि आज संडे है तो आज हम मैथ्स का चैप्टर नंबर थ्री यानी कि आव्यू अर्थात मैट्रिसेस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं कोशिश करेंगे बच्चों कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करें या जितने भी क्वेश्चंस हो उसमें वैरायटी मौजूद हो क्योंकि हमारा पर्पस बच्चों ये नहीं है कि हम सो क्विज आपको कराएं हमारा पर्पस है कि जितने क्वेश्चन हो सभी अलग अलग वैरायटी के हो ताकि हर कॉन्सेप्ट का क्विज का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आता हो हर कॉन्सेप्ट का आपके पेपर में आ जाए तो वो नंबर आपका कहीं भी ना जाए यही बच्चों हमारा पर्पस है और इसी पर्पस के साथ आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं मैट्रिक्स पर बेस्ड अर्थात आव्यूह पर बेस्ड ठीक है बच्चों तो चलिए फटाफट फड़ से आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि आपके साथ-साथ आपके दोस्त भी बच्चों इस क्विज को अटेंड कर सके एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में अपने मार्क्स को क्या कर सके बच्चों सिक्योर कर सके ठीक है इसी के साथ शुरू करते हैं तब तक थोड़ा सा आप लोग वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करेंगे जान लेते हैं थोड़ा मेरे बारे में बच्चों बात करें अगर मेरे भाई जो स्टूडेंट्स आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम है रितिका मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूं इकोनॉमिक्स में मेरे पास टू इयर्स से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है बच्चों प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है जिसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है एंड आई होप कि आप लोगों को भी कुछ अच्छा और नया सिखा सकूं तो इसी उम्मीद के साथ हम अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चों और अपने क्विज को स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बेस्ड है आपकी मैथ्स चैप्टर नंबर थ्री पर यानी कि मेट्रिस पर ठीक है बच्चों तो फटाफट -फड़ सभी लोग अपने अपने कॉपी पेन

ताकि बच्चों हर संडे आपको हर सब्जेक्ट के एमसीयू क्वेश्चंस मिले आप प्रैक्टिस करें और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सके तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं प्रश्न एक की ओर पहले प्रश्न की ओर प्रश्न एक कहता है कि निम्न में कौन एक आदेश आव्यू है बच्चों में कोशिश करूंगी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्वेश्चन को बता सकूं ताकि इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम आपको प्रश्न को हल करने में दिक्कत ना आए सबसे पहला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन से एक अदिश आव्यूह है अदिश आव्यूह का अर्थ है बच्चों क्या होता है हमारा अदिश आव्यूह अदिश आव्यूह का मतलब है स्केलर मैट्रिक्स क्या है बच्चों स्केलर मैट्रिक्स तो अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स की बच्चों बात करें तो आंसर कौन सा आव्यूह है जो स्केलर है नीचे हमें चार ऑप्शंस दिए हैं पहला ऑप्शन है बच्चों मैट्रिक्स है 2 2 की 1 0 0 और 2 ऑप्शन नंबर बी की बच्चों बात करें तो हमें मैट्रिक्स दी है टू इंटू थ्री की जिसके एलिमेंट्स हैं जीरो जीरो, 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 जीरो जीरो अगले ऑप्शन की बच्चों बात की जाए तो सी ऑप्शन हमारा है ये या ये मैट्रिक्स हमें दी है थ्री इंटू थ्री की कितने की बच्चों थ्री इंटू थ्री की जिसके एलिमेंट्स हैं के जीरो 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 के जीरो 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 के और बच्चों बात करें लास्ट ऑप्शन की यानी कि ऑप्शन नंबर फोर की तो बच्चों आपको एक सिंगुलर मैट्रिक्स दी हुई है आपको एक मैट्रिक्स दी है जिसका क्या है ये है वन इज टू वन इन टू थ्री की यानी कि एक रो है और तीन कॉलम है तो बच्चों इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसके एलिमेंट है जीरो जीरो और जीरो हमसे क्वेश्चन किया गया है कि कौन सा एक अदिश आव्यूह है कौन सा एक स्केलर मैट्रिक्स है तो बच्चों आप लोग भी आंसर को ट्राई कीजिए मैं आप लोगों के कमेंट जरूर देखूंगी कि आप लोगों ने क्या क्या आंसर किए हैं तब तक अगर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों क्या होती है बच्चों किसी भी एक आइडेंटिटी आवयू को जब हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक अदिश आवयू बन जाता है ठीक है जैसे कि अगर आप यहां देख रहे हो बच्चों तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखेंगे ये क्या है एक थ्री इंटू थ्री की स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी इंटू तीन का वर्ग आव्यूह है और उसके साथ साथ बच्चों आप देख रहे हो तो आपको अगर ये आइडेंटिटी होती तो वन दिया होता पर वन की जगह यहां क्या है के है। क्या है बच्चों के है के एक कांस्टेंट को दर्शाता है के एक को दर्शाता है तो इसीलिए बच्चों हम कह सकते हैं कि जब भी किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बनती है एक अधिश आवयु बनता है बच्चों यहां पर जो अवयव है वो एक डायगनल में सभी क्या है कांस्टेंट यानी कि एक अधिश है और उसके अलावा सभी जीरो है तो हम इस आवयु को एक अदिश आवयु कह सकते हैं ठीक है बच्चों क्या कह सकते हैं एक कह सकते हैं यानी कि बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है ठीक है आई होप कि आप लोगों ने भी इसी को करेक्ट ऑप्शन माना होगा अगर फिर भी बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो सकता है कि आपने पहले ही से आंसर दिया हो तो वेरी गुड बच्चों आपकी तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से अच्छी चल रही है और अगर किसी को आंसर गलत भी उसने सोचा तो बच्चों टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है अभी तो हमने तैयारी शुरू ही की है मैं आपको वादा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से अपने हर चैप्टर को समझ पाएंगे ठीक है पर प्रैक्टिस करना मत छोड़ना साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न क्या है बच्चों अगला प्रश्न कहता है कि यदि ए और बी और बी एक ही कोटि के सममित आव्यू है क्या है बच्चों ए और बी एक ही कोटि के सममित आवयु सममित आवयु कौन से अवयु होते हैं बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है तो निम्न में से क्या सत्य है कौन सा ट्रू है बच्चों? ऑप्शन हमें यह बताना है पहला ऑप्शन कहता है कि ए प्लस बी सम्मित है यानी कि आवयू ए और बी को अगर हम योग करते हैं तो वह भी एक सम्मित आवयू होगा बी ऑप्शन कहता है कि ए इंटू बी सम्मित है सी ऑप्शन कहता है कि ए और बी दोनों सत्य हैं। यानी कि ऑप्शन ए भी करेक्ट है ऑप्शन बी भी करेक्ट है और डी ऑप्शन कहता है कि कोई नहीं मान यानी कि नन ऑफ दिस तो बच्चों अगर हम बात करें सम्मित आव्यू या सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ठीक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स या हिंदी में हम क्या बोलते हैं बच्चों इसको सम्मित आव्यू। तो बच्चों अगर हम बात करें सम्मित आवयू के गुणधर्मों की सम्मित यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी की बच्चों बात करें तो एक प्रॉपर्टी कहती है कि दो आव्यू यानी कि कोई भी दो मैट्रिक्स जो सेम ऑर्डर के हो एक ही कोटि के हो उनको योग करने पर भी हमें एक क्या मिलता है सममित आव्यू यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलती है बच्चों ये प्रॉपर्टी है सम्मित आवयु की यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कि किन्हीं भी सेम ऑर्डर के आवयु को योग करने पर प्लस करने पर हमें एक सम्मित आवयू ही मिलता है यानी कि बच्चों करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करने से पहले जान लेते हैं सोशल मीडिया पैकेज के बारे में जी हाँ बच्चों अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन स्कूल आपके लिए लेकर आया है सोशल मीडिया पैकेज ताकि इसी तरह की सभी क्लासेस का वीडियो लिंक आपसे ना छूटे आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो विजय बैच की और उसके साथ साथ जो भी विजय बैच में हम तैयारी कर रहे हैं उसकी कोई भी क्लास आपकी ना छूटे वो सभी क्लासेस के लिंक बच्चों आपको इन सभी सोशल मीडिया चैनल्स और ग्रुप्स पर मिलेंगे उसके साथ साथ आपकी हर क्लास के पीडीएफ नोट्स प्लस ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये सभी आपको प्रोवाइड करने के लिए बच्चों अंडर ट्वेंटी फोर सेवन एक सोशल मीडिया पैकेज लेकर आया है जिसके थ्रू अब अवेलेबल है टेलीग्राम फेसबुक और व्हाट्सएप तीनों पर मतलब जाँ जाँ आप वहाँ वहाँ जो ज्यादातर भाई सबके पास आजकल होता ही है नहीं भी है तो आपको इन्हें इंस्टॉल करना है और केवल फॉलो करना है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन स्कूल को बच्चों आपको फॉलो करना है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन स्कूल को तो क्या कीजिए फटाफट फड़ से जाइए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है बच्चों ज्वाइन कीजिए और अपना बेनिफिट उठाइए यानी कि आपकी हर सब्जेक्ट की हर क्लास का वीडियो लिंक प्रैक्टिस क्वेश्चन और पीडीएफ नोट्स तीनों ही पाइए एक ही जगह पर फटाफट जाइए स्टूडेंट्स ज्वाइन कीजिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न कहता है कि अगर बच्चों ए हमें एक आप दिया है यानी कि ए मैट्रिक्स है वन टू टू वन यानी कि ये क्या है एक टू इंटू टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है बच्चों तो एड ऑफ ए क्या होगा ऑफ ए क्या होता है भाई क्या होगा ठीक है क्या ज्ञात करना है हमें सैखंड ज्ञात करना है यानी कि एड को ज्ञात करना है कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे अगर आपको याद होगा या आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की भी होगी और नहीं भी की है तो आज आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए बच्चों निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं हम निकालते हैं कैपिटल ए आई जे का ट्रांसपोज यानी कि कैपिटल ए आई जे का परिवर्त अब भाई कैपिटल ए जे क्या है ये क्या होता है बच्चों सेकंड होता है ठीक है सेकंडों का व्यू होता है तो ए आई जे कैपिटल ए जे बराबर है किसके माइनस वन की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे यानी कि माइनस वन की पावर कितना आई प्लस जे इंटू माइनर अर्थात बच्चों ये क्या है को फैक्टर को फैक्टर का मैट्रिक्स तो को फैक्टर मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज कर दें सैखंडों के आवयु का अगर हम परिवर्त कर दें तो हमें एट ऑफ ए यानी कि सैखंडज का आवयु प्राप्त हो जाएगा ठीक है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दो आपके फॉर्मूले हैं अगर आप इसे याद कर लेते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो और याद क्या करना है अगर आप एक बार समझ लेंगे प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन की तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए हम सॉल्व करते हैं अगर हम ए आई जे निकालें यानी कि ए वन वन की बात करें ठीक है तो ए वन वन कैसे निकालेंगे बच्चों इसके लिए माइनस वन की पावर आई प्लस जे यानी कि वन प्लस वन टू इन एम आई जे क्या होगा बच्चों इसके लिए अगर माइनर देखेंगे तो ये कट जाएगा कितना होगा वन यानी कि हमें कितना मिल गया वन ए वन टू की बात करेंगे अगर कितना मिलेगा माइनस वन की पावर वन प्लस टू यानी कि थ्री इन टू इसके लिए निकालेंगे बच्चों कितना मिलेगा टू कितना हो गया ये माइनस टू अगर बात करेंगे ए टू वन की तो माइनस वन की पावर टू प्लस वन कितना हो गया थ्री इन टू में इसके लिए बच्चों निकाल रहे हैं कितना बचेगा टू बचेगा कितना हो जाएगा ये माइनस टू और ए टू टू की बच्चों बात करेंगे तो माइनस वन की पावर आई प्लस जे यानी कि टू प्लस टू फोर हो जाएगा इन टू में इसके लिए आप निकाल रहे हैं तो ये रो और ये कॉलम कट जाएगा क्या बचेगा वन कितना मिल गया वन एट ज्वाइंट ऑफ ए क्या होता है बच्चों एट ज्वाइंट ऑफ ए बराबर है ए आई जे यानी कि जो हमने निकाला है वन माइनस टू माइनस टू और वन का ट्रांसपोज यानी कि इसका परिवर्त कितना मिलेगा बच्चों परिवर्त करने पर हमें एट ऑफ ए क्या हो जाएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो तो परिवर्त क्या होता है जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि जो पंक्ति है वो स्तंभ में परिवर्त हो जाती है तो बच्चों पहली रो बन जाएगा पहला कॉलम वन और माइनस टू और दूसरी रो बन जाएगा दूसरा कॉलम यानी कि हमारा एड ऑफ ए क्या है बच्चों वन माइनस टू माइनस टू और वन अगर आप देखिए कौन सा ऑप्शन बच्चों ऐसा है एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जिसके एलिमेंट्स हैं वन माइनस टू माइनस टू और वन यानी कि बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न कहता है बच्चों की यदि यदि ए और बी वर्ग आवयू है वर्ग आवयु क्या होते हैं वर्ग आवयु का मतलब है बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक है यानी कि अगर ए और बी मैट्रिक्स हैं, अर्थात वर्ग आवयू हैं, तो ए बी ट्रांसपोज क्या होगा AB ट्रांसपोज क्या होगा तो बच्चों AB ट्रांसपोज की बात करें तो अगर हम परिवर्त की प्रॉपर्टीज की बात करें ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज की बात करें परिवर्त के गुणधर्मों की बात करें तो इसका एक गुणधर्म कहता है कि ए बी ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के ए बी ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के चलिए इसको एक उदाहरण से समझ के देखते हैं यानी कि इसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी बच्चों करेक्ट ऑप्शन है लेकिन इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं मान लीजिए ए हमारे पास हो गया एक दो तीन और चार बी कितना हो गया बी हो गया मान लिया हमने दो एक एक और तीन ठीक है अब बच्चों हम बात करते हैं ए बी की या पहले निकाल लेते हैं ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा ये हो जाएगा अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे बच्चों पहली रो बन जाएगा पहला कॉलम यानी कि एक और दो दूसरी रो दूसरा कॉलम बी के परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज की बात करेंगे तो दो और एक एक और तीन ठीक है अब हमें क्या चाहिए ए इंटू बी यानी कि ए बी ज्ञात कर लेते हैं कितना होगा एक दूनी दो प्लस दो एकम दो एक दु एकम एक प्लस तीन दूनी छ तीन दूनी छ प्लस चार एकम चार तीन एकम तीन प्लस चार चारतीय बारह कितना हो जाएगा बच्चों ये ये हो जाएगा चार सात दस और पंद्रह हमें क्या ज्ञात करना है इसका ट्रांसपोज तो यानी कि ए बी का ट्रांसपोज अगर बच्चों ज्ञात किया जाए कितना हो जाएगा चार सात दस और पंद्रह ठीक है ये हमने बी का ट्रांसपोज निकाल लिया अब क्या ज्ञात करना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज कितना निकाला है भाई हमने बी ट्रांसपोज दो एक एक और तीन ठीक है और ए ट्रांसपोर्स कितना निकाला है? एक तीन दो और चार चलिए भाई इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना मिलेगा दो एकम दो प्लस एक दुनी दो दो तिया प्लस एक चौक चार एक दुनी एक एकम एक प्लस तीन दुनी छ एक तिया तीन प्लस तीन चौक बारह सॉल्व कर लेंगे बच्चों इसको कितना मिल जाएगा चार दस सात और पंद्रह देख लीजिए भाई ये और ये हमारा बिल्कुल समान है यानी कि हमारे प्रॉपर्टी को क्या किया सिद्ध किया कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के यानी कि बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा सत्य है यानी कि कौन सा ट्रू है तो बच्चों ए बी का इनवर्स पहला ऑप्शन है ए बी का इनवर्स बराबर है ए इनवर्स बी इनवर्स ऑप्शन नंबर बी है कि ए बी का इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इन्वर्स ऑप्शन नंबर सी है ए बी का इनवर्स बराबर है बी ए का इन्वर्स और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं तो बच्चों अगर आपको इनवर्स की प्रॉपर्टीज याद हैं इन्वर्स की प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो आप बहुत ही आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं बच्चों व्युत क्रम की प्रॉपर्टी क्या कहती है गुणधर्म क्या कहता है के अनुसार गुणधर्म कहता है कि ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स और ए इनवर्स के बी इनवर्स और ए इनवर्स के यानी कि भाई हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बच्चों करेक्ट आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि यदि एक का आवयु है ए एक एम गुणा एन कोटी का आवयु है तो ए ट्रांसपोज की कोटी क्या होगी यानी कि ए परिवर्त की कोटी बच्चों क्या होगी बहुत ही आसान है अगर आप थोड़ा सा बच्चों याद करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा फिर भी इसका उत्तर देने से पहले मैं आपको एक उदाहरण लेके इसको समझा देती हूं उदाहरण क्या कहता है ध्यान से देखेंगे बच्चों उदाहरण कहता है कि हमने माना एक व्यू है ठीक है किसका m इंटू एन बोला है तो हम ले लेते हैं टू इंटू का यानी कि टू फोर सिक्स टू वन और थ्री किसका मैट्रिक्स बन गया बच्चों ये टू इन टू थ्री का दो कॉलम और तीन स्तंभ यानी कि टू रोज और थ्री कॉलम का ठीक है हमें इसका परिवर्त ज्ञात करना है यानी कि क्या ज्ञात करना है ट्रांसपोज निकालना है ए परिवर्त करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगी यानी कि दो चार छ जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगी यानी कि दो एक और ठीक है अब यहां देखिए यहां पर हमारे पास रोज कितनी है पहली रो दूसरी रो और तीसरी रो यानी कि रो की जगह पे कितना आएगा थ्री कॉलम कितने हैं बच्चों पहला कॉलम और दूसरा कॉलम यानी कि दो कॉलम है तो बच्चों जो मैट्रिक्स पहले थी दो गुना तीन दो गुना तीन कोटी की यानी कि टू इंटू थ्री ऑर्डर की अब ट्रांसपोज करने के बाद परिवर्त करने के बाद उसकी कोटी बदलकर क्या हो गई है थ्री इंटू टू ऑर्डर हो गया है यानी कि तीन गुणा में दो कोटी हो गई है तो बच्चों अगर यहां पे मैं मानू m बराबर दो और n बराबर तीन तो पहले क्या था m गुणा एन था यानी कि दो गुना तीन अब क्या हो गया है तीन कितना है n है इन टू दो कितना है m है यानी कि D, क्या होगी ऑप्शन नंबर ए एम इंटू एन ऑप्शन नंबर बी एन इंटू एम ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं तो भाई हमने उदाहरण से देखा कि क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्या पता चला हमें पता चला कि अगर हम बच्चों किसी एम गुणा एन के आवयु यानी कि m इंटू एन ऑर्डर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं ज्ञात करते हैं तो उसकी कोटि हो जाती है, बदल जाती है है बदल यानी कि पहले जो रोज थे वो अब कॉलम का नंबर बन जाता है जो कॉलम का नंबर था वो रो का नंबर बन जाता है यानी कि n इंटू एम हो जाता है आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की प्रश्न कहता है कि यदि ए बराबर हमें दिया है एक आवयू ए बच्चों हमें एक आव्यू दिया है यानी कि एक मैट्रिक्स दी है वन टू थ्री और फोर वन टू थ्री और फोर यानी कि टू इंटू टू की एक मैट्रिक्स है, है तब नीचे में से क्या सही होगा पहला कि ए डिटर्मिनेंट बराबर जीरो है दूसरा ऑप्शन क्या है कि ए इनवर्स का अस्तित्व है यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तीसरा ऑप्शन है बच्चों ए स्क्वायर बराबर होगा ए के और डी ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं तो भाई पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट की बात की है तो डिटर्मिनेंट ज्ञात कर लेते हैं या बच्चों अगर ए डिटर्मिनेंट हम ज्ञात करेंगे टू इंटू टू का डिटर्मिनेंट हमें पता है कैसे ज्ञात किया जाता है अगर ये ए बी सी डी है तो ए डी माइनस बी सी हो जाता है यानी कि चार एकम चार वन इंटू फोर माइनस टू इंटू थ्री कितना मिल जाएगा फोर माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस टू तो भाई यहां से वैल्यू है माइनस टू तो तो जो कि जीरो के बराबर नहीं है और इनवर्स की प्रॉपर्टी कहती है बच्चों इनवर्स की प्रॉपर्टी कहती है आवयू के व्युत्क्रम का गुण कहता है कि एक आवयु का व्युत्क्रम तभी अस्तित्व में होता है जब ए डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं होता यानी कि अगर ए डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं है चाहे वो माइनस नंबर है या वो प्लस का यानी कि या तो है या धनात्मक है पर जीरो नहीं है तब हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स का अस्तित्व है यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो बच्चों यहां हमने जो डिटर्मिनेंट ज्ञात किया है उसकी वैल्यू निकली है माइनस टू यानी कि वो जीरो के नहीं है ये एक नॉन जीरो है ठीक है तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है ए इनवर्स का अस्तित्व है ठीक है बच्चों तो इससे हमने देखा कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की अगला प्रश्न क्या कहता है कि हमें एक आव्यू दिया है एक मैट्रिक्स दी है जिसके एलिमेंट्स हैं कॉसेक्स माइनस साइन एक्स साइन एक्स और कॉसेक्स हमें कहा है कि इसका परिवर्त परिवर्त अर्थात बच्चों क्या ट्रांसपोज ज्ञात करना है क्या करना है ट्रांसपोज बताना है भाई कि कौन सा इनमें से ट्रांसपोज है तो चलिए बहुत ही ध्यान से देखते हैं अगर हम बात करें ट्रांसपोज की ठीक है बच्चों तो यहां हमें दिया है ए ऑप्शन पहले तो करेक्ट नहीं है ये अभी वो गलती से टिक हो गया है ठीक है ए ऑप्शन क्या दिया है बच्चों ए ऑप्शन हमें दिया है कॉस एक्स sin एक्स माइनस साइन सॉरी माइनस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बी ऑप्शन दिया है कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स सी ऑप्शन के एलिमेंट्स है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स और डी ऑप्शन है बच्चों की इनमें से कोई नहीं तो चलिए हम परिवर्त को ज्ञात करते हैं यानी कि ट्रांसपोज को ज्ञात करते हैं हमें मैट्रिक्स है माइनस साइनेक्स साइन एक्स साँएक्स, साँएक्स और कॉसेक्स ट्रांसपोज का एक ही नियम है सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम है बच्चों कि रो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉलम में और कॉलम कन्वर्ट हो जाती है रो में यानी कि जितना हमारा जो पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएगा और जो स्तंभ है वो पंक्ति बन जाएगी तो पहली रो ये बच्चों इसकी पहली रो है और ये दूसरी रो है पहली रो कन्वर्ट क्या बन जाएगी? पहला कॉलम, यानी कि कॉश एक्स और माइनस साइन एक्स ये बन गया पहला कॉलम पहली रो से बना पहला कॉलम दूसरी रो कन्वर्ट होके बनेगी दूसरा कॉलम यानी कि साइन एक्स और cos x. तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रांसपोज क्या निकला है ट्रांसपोज निकला है cos x sin x माइनस साइन एक्स और cos x. इसे बच्चों अगर ऑप्शंस में ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में यही एलिमेंट हमें दिए हैं यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट ऑप्शन है ठीक है बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉस एक्स साइन एक्स माइनस और कॉस चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि माना ए, एक व्युत क्रमणीय है यानी कि हमने पहले से मान लिया कि यह एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है व्युत क्रमणीय है यानी कि इसका व्युत क्रम पॉसिबल है इसका इन्वर्स हो सकता है जिसका क्रम दो गुणा दो है यानी कि टू इंटू टू ऑर्डर की है मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स क्या होगा निम्न में बच्चों ए इनवर्स क्या होगा ध्यान से देखिए ऑप्शन दिए हैं पहला कि ए डिटर्मिनेंट के नहीं इनवर्स बराबर होगा वन अपॉन ए डिटर्मिनेंट बी ऑप्शन है सी ऑप्शन है जीरो और डी ऑप्शन है एक तो बच्चों देखिए यहां पर हमें बोला है कि इनवर्टेबल है तो जीरो तो नहीं हो सकता सी तो हो गया कैंसिल ठीक है ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट की बात की गई है तो भाई ए इनवर्स का डिटरमिनेंट ए डिटर्मिनेंट के बराबर तो नहीं हो सकता बच्चों इनवर्स निकाल के उसका डिटर्मिनेंट करेंगे और ए का डिटरमिनेंट करेंगे दोनों बराबर नहीं हो सकते लेकिन इनवर्स जो है अगर हम उसका मतलब जाने तो क्या होता है उल्टा युद्धक्रम का मतलब क्या होता है बच्चों उल्टा यानी कि अगर आपको याद होगा तो किसी भी नंबर में चाहे मान लीजिए टू एक्स लिखा है टू एक्स की पावर माइनस वन है ठीक है इसको हम कैसे लिख सकते हैं वन अपॉइंट टू एक्स क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा एक्स की पावर माइनस वन नीचे आ जाएगा ठीक है इस पूरे की पावर अगर माइनस वन है तो ये नीचे आ जाएगा उसी तरह ए इनवर्स की बात हो रही है ठीक है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं अपॉन में और इसके डिटॉमिनेंट की बात हो रही है तो वन अपॉन में ए डिटर्मिनेंट यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों बी क्या है करेक्ट ऑप्शन बी ए इनवर्स का डिटॉमिनेंट सदैव बराबर होता है वन अपॉन में ए डिटर्मिनेंट के ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की अगला प्रश्न कहता है बच्चों कि हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए और बी ए और बी ए के एलिमेंट है वन वन जीरो वन बी के एलिमेंट है जीरो वन वन और जीरो तब ए बी क्या होगा ए बी क्या होगा यानी कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा क्या यानी कि बच्चों गुणनफल क्या होगा दोनों ही आवयु का पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जिसके सभी एलिमेंट जीरो हैं ऑप्शन नंबर बी के एलिमेंट हैं वन 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 और जीरो ऑप्शन नंबर सी के एलिमेंट हैं वन जीरो जीरो और वन ऑप्शन नंबर डी हमें दिया है दस तो देखते हैं बच्चों की क्या हमें आंसर मिलेगा अगर ए बी की बात की जाए तो ए है वन वन जीरो वन इन में बी है जीरो वन वन जीरो तो बच्चों आपको गुणा करने का नियम तो पता ही होगा कि हम क्या करते हैं पहली रो को पहले स्तंभ के अवयवों से फिर पहली रो के अवयों को दूसरे स्तंभ के अवयवों से यानी कि फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे वन जीरो, जा, जीरो प्लस वन वन झा वन अब पहली रोग के एलिमेंट दूसरे कॉलम के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे वन वन जा वन इंटू वन जीरो पहली रो और दूसरे कॉलम का सब कुछ हो गया बच्चों अब दूसरी रो को सभी कॉलम से करेंगे तो दूसरी रो पहले पहले कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी जीरो 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 प्लस वन वन जा वन फिर बच्चों दूसरी रो को दूसरे कॉलम के एलिमेंट से करेंगे यानी कि जीरो एक जीरो प्लस एक जीरो जीरो कितना मिल जाएगा बच्चों में वन 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 और जीरो हो जाएगा हमारी एबी मैट्रिक्स यानी कि ए बी आव्यू अगर बच्चों ध्यान से देखोगे तो ऐसा एक मैट्रिक्स हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है जिसके एलिमेंट है यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन है ठीक है जिसके एलिमेंट है वन 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 और जीरो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर भाई बहुत ही लगन से अगर आप तैयारी करेंगे तो प्रश्न बच्चों बहुत ही अच्छे हैं और सारे के सारे क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं अगर आपने सबकी प्रैक्टिस कर ली मैं बच्चों आपको प्रॉमिस करती हूं कि आपका मैट्रिक्स का एमसीक्यू का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा तो चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्रश्न कहता है कि यदि यदि बच्चों टू एक्स माइनस वाई फाइव थ्री और y एक आवयु है जो बराबर है किसके अगले आवयु छ पांच तीन और माइनस दो के तो बच्चों x का मान हमें ज्ञात करना है क्या करना है x का मान ज्ञात करना है यहां बच्चों एक चीज पहले समझेंगे फिर हम हल करते हैं पहली बात ये कि अगर हम समान आवयु के गुणधर्मों की बात करें यानी कि इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी की, की बात करें तो बच्चों अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल है यानी कि समान है तो उनके सभी अवयव भी समान होते हैं उनके सभी अवयव भी समान होते हैं यानी कि इक्वल होते हैं तो बच्चों अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स की बात करें तो यहां से हमें क्या मिलेगा 2x- एक्स माइनस बराबर हो जाएगा पहले अवयव यानी कि 6 के दूसरा अवयव बराबर होगा दूसरे अवयव यानी कि 5 बराबर पांच? तीसरा अवयव बराबर होगा तीसरे अवयव से यानी कि तीन बराबर तीन और चौथा अवयव बराबर होगा चौथे अवयव यानी कि y बराबर माइनस दो यहां देखेंगे बच्चों ये ये इक्वल इक्वल है यह है यहां से हमें क्या मिला यहां से हमें y की वैल्यू मिल गई कितनी माइनस टू अगर इस वैल्यू को बच्चों हम पहली इक्वेशन में डाल दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी टू एक्स माइनस वाई की वैल्यू है माइनस टू इज इक्वल टू सिक्स सोल्व कर लेंगे टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स टू एक्स बराबर है सिक्स माइनस टू यानी कि टू एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स कितना हो गया फोर बाय टू यानी कि बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई टू कितना आसान प्रश्न है कितना आसान प्रश्न है सिर्फ एक प्रॉपर्टी अगर हमें पता है कि इक्वल मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट इक्वल होते हैं सबको हमने इक्वल रखा वाई की वैल्यू हमें पता चल गई वाई की वैल्यू पहली इक्वेशन में डाली एक्स की वैल्यू मिल गई यानी कि x बराबर है दो और हमारा ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि यदि आव्यू ए बी बराबर है जीरो यदि आव्यू ए बी बराबर है जीरो तो ऑप्शन दिया है यानी कि कोई भी दो आवयू का जो गुणनफल है अगर वो जीरो के बराबर है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा पहला ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर ए है कि ए मैट्रिक्स भी जीरो होगी या बी जीरो होगी मतलब ए बराबर होगा या बी बराबर होगा दोनों में से कोई एक जीरो होगा बी ऑप्शन कहता है कि ए भी जीरो होगा और बी भी जीरो होगा यानी कि ए मैट्रिक्स भी जीरो के इक्वल होगी तथा बी मैट्रिक्स भी जीरो के इक्वल होगी ऑप्शन नंबर सी कहता है कि यह आवश्यक नहीं है ए बराबर जीरो या बी बराबर जीरो होगा यह जरूरी नहीं है कि दोनों में से एक जीरो हो ही बिना जीरो हुए भी हम ए बी को जीरो मान सकते हैं इनका कहने का मतलब ये है और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि उपरोक्त सभी कथन गलत हैं। यानी कि इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है तो बच्चों अगर हम बात करें तो हम जानते हैं और ये एक गुण है कि अगर ए बी बराबर जीरो है तो ये बच्चों बिल्कुल जरूरी नहीं है दोनों में से एक मैट्रिक्स जीरो होगी जरूरी नहीं है आवश्यक नहीं है कि दोनों में से एक मैट्रिक्स जीरो होगी इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बच्चों करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है कि यदि ए बराबर तीन दो एक और चार हो ए बराबर तीन दो एक और चार हो तो ए इंटू एट ज्वाइंट ऑफ ए का मान क्या होगा ए इंटू एट ज्वाइंट ऑफ ए का मान क्या होगा ठीक है बच्चों, देखते हैं किस प्रकार हम इसको ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही सरल है कोई दिक्कत वाली बात नहीं हम क्या निकालेंगे पहले एट ज्वाइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं अभी हमने बच्चों पीछे प्रश्न में सीखा था कि एट ज्वाइंट ऑफ ए बराबर क्या है यानी कि सैखंडों का जो आव्यू है उसका ट्रांसपोज सेकंड निकाल लेते हैं बच्चों ठीक है चलिए क्या निकल जाएंगे हमारे ए वन वन हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर इनटू में कितना चार यानी कि फोर ए वन टू कितना होगा माइनस वन की पावर तीन इसके लिए निकाल रहे हैं कट जाएगा दो माइनस दो ए टू वन कितना होगा माइनस वन की पावर थ्री इसके लिए बच्चों निकाल रहे हैं अब हम सॉरी हमने पहले इसके लिए निकाला था बच्चों तो ये हो गया वन यानी कि माइनस वन अब इसके लिए निकाल रहे हैं तो ये हो गया टू कितना हो गया माइनस टू ए टू टू के लिए निकाल रहे हैं यानी कि माइनस वन की पावर फोर कितना बच गया थ्री यानी कि थ्री अब बच्चों हमें एट ज्वाइंट ऑफ ए निकालना है यानी कि इनका ट्रांसपोज करना है तो एड ज्वाइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा चार माइनस एक माइनस दो और तीन का ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त कितना मिलेगा बच्चों पहली रो पहला कॉलम बनेगा यानी कि चार माइनस एक माइनस दो और तीन एट ज्वाइंट ऑफ ए निकाल लिया पर हमें क्या चाहिए ए इंटू एट ज्वाइंट ऑफ ए ए इंटू एट ज्वाइंट ऑफ ए तो लिख लेते हैं ए और एट ज्वाइंट ऑफ ए कितना है तीन एक दो और चार एट ज्वाइंट ऑफ ए हमने कितना निकाला है चार माइनस दो माइनस एक और तीन कितना है बच्चों तीन है ठीक है ठीक से लिख देते हैं एक बार इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों तीन चौक बारह प्लस माइनस माइनस दो एकम एक दो तीन दुनी माइनस छ प्लस तीन दुनी दो एक चौक चार प्लस माइनस माइनस चार चार एक, एक दो, माइनस दो और कितना सिक्स जीरो फोर माइनस फोर जीरो और यहां बचेगा दस यानी कि बच्चों हम देखें अगर तो ऑप्शन नंबर बी में हमें एक ऐसा मैट्रिक्स दिया है जिसके अवयव है दस जीरो जीरो और दस यानी कि बच्चों ऑप्शन नंबर बीस का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बीस का करेक्ट आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की अगला प्रश्न कहता है कि यदि A1, तीन गुणा तीन का आव्यू है यानी कि थ्री इंटू थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है तथा ए डिटॉमिनेंट बराबर है चार ए डिटॉमिनेंट कितना है बच्चों चार है तब ए ऑफ ए का डिटॉमिनेंट क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा ये हमें बताना है तो भाई इसके लिए एक गुणधर्म को समझना बहुत ही जरूरी है क्या है बच्चों है कि A, की एक प्रॉपर्टी है का डिटॉमिनेंट बराबर होता है ए डिटर्मिनेंट की पावर एन माइनस वन ए डिटॉमिनेंट की पावर एन माइनस वन जहां पर एन क्या होता है एन इस कोटि की संख्या है एन कोटी की संख्या है बच्चों ये प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट और ध्यान में देने वाली कि ए जॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बराबर होता है ए डिटरमिनेंट की पावर एन माइनस वन जहां पर एन है वर्ग आवयु की कोटी ठीक है बच्चों यहां पर देखेंगे अगर हमें ए जॉइंट ऑफ ए निकालना ए डिटर्मिनेंट कितना दिया है हमें चार दिया हुआ है ठीक है चार की पावर एन एन कितना है इसकी कोटी क्या है बच्चों तीन है माइनस कितना हो गया चार के पावर टू यानी कि सिक्सटीन तो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर ए चार है बी सोलह है सी छत्तीस है और डी सिक्सटी फोर है यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है करेक्ट आंसर क्या है बच्चों सिक्सटीन ऑप्शन नंबर बी बात कर लेते हैं बच्चों हमारे अंतिम प्रश्न की जी हाँ लास्ट क्वेश्चन की आवयू से संबंधित आखिरी प्रश्न क्या है बच्चों की यदि A हमें दिया है एक एक जीरो एक अवयू एक है वन वन जीरो वन तब ए इनवर्स क्या होगा ये बच्चों टू इंटू टू की मैट्रिक्स है हमें ज्ञात है. करते हैं ए इनवर्स बराबर होता है बच्चों वन अपॉन में ए डिटर्मिनेंट एट ज्वाइंट ऑफ ए ये भाई बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि ए इनवर्स क्या होता है बच्चों में ए डिटर्मिनेंट एट ज्वाइंट ऑफ ए तो कैसे ज्ञात करेंगे पहले ए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट यानी कि बच्चों ये जीरो के बराबर नहीं है यानी कि इनवर्स तो पॉसिबल है इनवर्स निकालने के लिए और क्या चाहिए एट ज्वाइंट ऑफ ए चाहिए डायरेक्ट निकाल देती हूँ अब तो आपको आई क्या होगा एट ज्वाइंट ऑफ ए क्या होगा बच्चों इसके लिए निकालेंगे ये हो जाएगा वन ठीक है और यहां पर निकालेंगे इसके लिए हो जाएगा माइनस वन कितना हो जाएगा ये एक मिनट बच्चों यहां पर इसके लिए हमने निकाला ये हो गया वन इसके लिए निकालेंगे कितना हो जाएगा ए वन टू के लिए इसके लिए निकालेंगे, निकालेंगे हो जाएगा जीरो जीरो के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन क्योंकि माइनस वन भी चलता है साथ में मतलब माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन रहेगा इसके लिए निकालेंगे ये हो जाएगा वन क्योंकि पावर प्लस हो जाएगी इसका ट्रांसपोज ठीक है कितना हो गया वन जीरो माइनस वन वन ठीक है ये हमने निकाल लिया है joint. अब क्या ज्ञात करना है ए इनवर्स वन अपॉन में ए मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों वन से कितना मिल गया इनवर्स वन माइनस वन जीरो वन ये बहुत ही आसान तरीका है बच्चों इनवर्स निकालने का इनवर्स हमने ज्ञात कर लिया कितना है इनवर्स वन माइनस वन जीरो और वन अगर आप ऑप्शन में देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर सी के बच्चों एलिमेंट्स यही है वन माइनस वन जीरो और वन आप खुद भी साथ साथ इन प्रश्नों को हल करके बच्चों देख सकते हैं यानी कि इस प्रश्न में हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्या है बच्चों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है आई होप बच्चों कि आप लोगों को यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो बच्चों अगर हम बात करें कि आज हमने क्या किया आज बच्चों हमने एक तैयारी शुरू की एमसीक्यू क्वेश्चंस की जिसमें हमने चैप्टर नंबर थ्री यानी कि और पर आधारित एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बच्चों हल किया कुछ प्रश्न हमने यहाँ पर हल किए जो सभी अलग अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे और मैं यहां पर मानती हूं कि यहां तक आपके सभी तरह के आप पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे आई होप बच्चों की आपको वीडियो पसंद आएगी आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे और इंटरेस्टिंग लगे होंगे और इसी तरह से अलग अलग चैप्टर के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों जुड़े रहिए अंडर ट्वेंटी फोर स्कूल के साथ और हर संडे हर संडे विजय बैच पर बच्चों देखिए और पाइए अपनी वीडियोस एमसीक्यू पर आधारित प्रश्नों की ताकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बहुत अच्छे से तैयारी हो सके एक एक चैप्टर के ठीक है बच्चों अगले हफ्ते हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के एमसीक्यू प्रश्नों के साथ आई होप कि कि चैप्टर नंबर यानी पर आधारित प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे ठीक so है स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स जुड़े रहिए इसी तरह हमारे साथ मिलते हैं अगले हफ्ते एमसीक्यू पर आधारित प्रश्न अगले और नए चैप्टर के साथ थैंक यू